ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गांदरबल की मुमताज शख्सियत शेख गयासुद्दीन का पार्टी हेडक्वार्टर गांदरबल में वालहाना इस्तकबाल किया गया। शेख गयासुद्दीन को हाल ही में पार्टी हाईकमान की तरफ से हल्का इंचार्ज गांदरबल बनाया गया। गयासुद्दीन ने चार्ज संभालने के बाद पहला पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें जिला भर के सीनियर पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। बाद में उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पार्टी सियासी एजेंडे पर काम करने के साथ साथ मंशियात की लानत समय समाजी बुराइयों पर फिक्रमंद है और इस हवाले से आगही मुहिम चलाई गई। स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ हमें ग्रास रूट लेवल पर काम करना है और गांदरबल के मसाइल मुश्किलात, खासकर नौजवानों को जो मसाइल है, जो मुश्किलात है, उसमें हमें अपना रोल अदा करना है और एक मस्बत। इसी तरह हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रोग्राम है कि ड्रग मैनेस जो है उस पर हमें लोगों को अवेयर करना है, बच्चों को इस लानत से बचाना है और उस पर भी डिस्ट्रिक्ट, हम इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम करेंगे भी है। मैंने अपने वर्करों को भी गुजारिश की कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि इस मनशात की लत से हम दूर हो जाए, क्योंकि पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उस एजेंडा के साथ साथ हम एक सोशल एजेंडा भी इंशाल्लाह चलाएं। रुकन पार्लियामेंट और एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बालतल के रास्ते से श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की तैयारियों की हालत का जायजा लेने के लिए बालतल का दौरा किया। बालतल बेस कैंप में मुतल्लिका हुकाम के साथ मीटिंग के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने सेहत की देखभाल, बिजली मौसलात, पानी की फरहमी और सफाई सुथराई, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ग्रिड और यात्रियों के लिए दीगर तमाम बुनियादी जरूरियात के लिए किए गए इंतजाम पर तबादले ख्याल किया। इजलास में सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। बेहद खुशी हुई कि हर चीज को देखा गया है, इनकी टेंटिंग अकोमोडेशन अच्छी है, लंगरों के लिए जगह रखी गई है, अस्पताल बेस अस्पताल बहुत अच्छा बना है, 100 बेड्स का बेस अस्पताल है, उसमें आईसीयू भी है। सिर्फ एक चीज हमने देखी, नर्सों की कमी है, फीमेल नर्सेज की ज्यादा जरूरत है और उसकी तरफ मैं गवर्नमेंट को जरूर गुजारिश करूंगा कि फीमेल नर्सेज को यहाँ पे डिपोर्ट किया जाए। दूसरे इनके जो अस्पताल हैं ऑन द वे टू द केव वो भी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि आप जो डॉक्टर आने वाले हैं, जैसे यात्रा शुरू हो जाएगी, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह तशरीफ लाएंगे, तो ये अस्पताल आज तो ओपीडी चल रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए ओपीडी चल रहा है, उनके इलाज दिया जा रहा है और हर चीज़ को देखा जा रहा है। मुझे खुशी और उम्मीद करता हूँ कि यात्रा अच्छी तरह से होगी और कोई मुश्किल नहीं होगी। सालाना श्री अमरनाथ